हेलो एवरीवन, हम ज्वाइनिंग टाइम रूल्स पढ़ रहे थे। कुछ रूल्स हमारे बाकी थे तो आज की वीडियो में हम वो रूल्स कवर करेंगे। स्टार्टिंग विथ ज्वाइनिंग टाइम पे, ये हमें पता है जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र होता है इन पब्लिक इंटरेस्ट तो उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ज्वाइनिंग टाइम चल रहा होता है तो उसे ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाता है। अगर ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाता है तो यानी कि उस टाइम की उसे पे दी जाती है। तो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान जो पे दी जाती है उसे बोलते हैं ज्वाइनिंग टाइम पे। और ये कितनी होती है? ये पे उतनी ही होती है जितनी उसे उस टाइम पे मिल रही होती है जब वो ओल्ड पोस्ट को छोड़ता है। यानी कि जितनी पे उसे ओल्ड पोस्ट पे मिल रही होती है उतनी ही पे उसे ज्वाइनिंग टाइम के दौरान दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं ज्वाइनिंग टाइम पे। और इस पे में उसे DNS अलाउंस भी दिया जाता है अगर एप्लीकेबल होता है। कंपेंसेटरी अलाउंसेस भी दिए जाते हैं जैसे HRA, और जो HRA होता है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, वो उतना ही मिलता है जितना उसे ओल्ड स्टेशन पे मिल रहा होता है। यानी कि जहाँ से उसकी ट्रांसफ़र हुई है उस स्टेशन पे जितना उसको HRA मिल रहा होता है उतना ही HRA उसे ज्वाइनिंग टाइम के दौरान दिया जाता है। लेकिन दो अलाउंसेस ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान नहीं दिए जाते। एक होता है कन्वेंस अलाउंस और एक होता है परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो अलाउंसेज ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान नहीं दिए जाते, कन्वीनियंस अलाउंस एंड परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस। नेक्स्ट टॉपिक इज अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम टू बी क्रेडिटेड टू EL अकाउंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। ये एक टाइप का कंसेशन है जो कि तब दिया जाता है जब किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन होता है और वो न्यू पोस्ट को ज्वाइन करता है अपना पूरा ज्वाइनिंग टाइम अवेल किए बिना ही, वो भी कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से। ये रीजंस क्या हो सकते हैं? पहला रीज़न ये हो सकता है, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन और वो 15 डेज़ के ज्वाइनिंग टाइम के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स में लिख दिया गया है कि आपको न्यू पोस्ट को ज्वाइन करना है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट विदाउट अवेलिंग योर फुल ज्वाइनिंग टाइम। यानी कि आपको न्यू पोस्ट को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है अपना पूरा ज्वाइनिंग टाइम अवेल किए बिना ही, तो उस केस में उसे ये कंसेशन दिया जाएगा। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है? अगर एम्प्लॉई न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर खुद अकेला चला जाए अपनी फैमिली के बिना ही और न्यू पोस्ट को जल्दी से ज्वाइन कर ले अपना पूरा ज्वाइनिंग टाइम अवेल किए बिना ही और अपनी फैमिली को बाद में वहाँ पर लेके जाए, तो उस केस में भी उसे ये कंसेशन दिया जाएगा। अभी तक हमने देखा कि कंसेशन किन केसेस में दिया जाता है, अब समझ लेते हैं कि कंसेशन होता क्या है। जैसे मान लो किसी के पास 15 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम था लेकिन उसने सिर्फ 5 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया, यानी कि उसके पास 10 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम अनअवेल्ड रह गया जो उसने यूज़ नहीं किया। तो जो ये अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम होता है उसे हम उसके EL अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि EL अकाउंट में ऐड कर देते हैं। जो अर्न लीव अकाउंट होता है उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम को अर्न लीव में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, जो EL अकाउंट का टोटल है वो 300 से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 300 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। फर्दर आपको ये ध्यान रखना है, जो ये कंसेशन है ये उस केस में नहीं मिलता अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र विद इन दी सेम स्टेशन होता है। जब सेम स्टेशन में ट्रांसफ़र होता है तो ये कंसेशन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ज्वाइनिंग टाइम की कुछ लिमिट्स होती हैं कि कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेडक्वार्टर्स एंड न्यू हेडक्वार्टर्स। अगर उन लिमिट्स को एक्सटेंड करना है तो कौन करेगा? जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है वो इन लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन अप टू मैक्सिमम 30 डेज़ तक ही वो एक्सटेंड कर सकता है। अगर 30 डेज़ से भी फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, जो टोटल ज्वाइनिंग टाइम बनेगा आफ्टर एक्सटेंशन वो कितना बनना चाहिए? 8 डेज़ फॉर प्रिपरेशन प्लस रीजनेबल ट्रांजिट टाइम प्लस हॉलीडेज़। अगर कोई हॉलीडे पड़ रही है ज्वाइनिंग टाइम के बाद तो इन सब का टोटल ज्वाइनिंग टाइम के बराबर होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एक्सटेंड कर सकता है ज्वाइनिंग टाइम को अप टू 30 डेज़ तक। अगर 30 डेज़ से भी बियॉन्ड एक्सटेंशन करनी है तो कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्वाइनिंग टाइम विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट। ये तो ऑब्वियस ही है
क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम के दौरान एम्प्लॉय को ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाता है, तो अगर ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जा रहा है तो वो टाइम पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग ज्वाइनिंग टाइम। मान लो किसी एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हो जाते हैं फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, और वो अपने स्टेशन ए के ऑफिस का चार्ज हैंडओवर कर देते हैं, यानी कि स्टेशन ए से रिलीव हो जाते हैं। लेकिन अभी उसने स्टेशन बी को ज्वाइन नहीं किया, स्टेशन बी पे ज्वाइन करने से पहले ही उसके जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए, यानी कि वो वापस से अपना स्टेशन ए ही ज्वाइन करेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन हैंडिंग ओवर द चार्ज एंड टेकिंग बैक द चार्ज, उसे भी हम ज्वाइनिंग टाइम की तरह ही कंसिडर करेंगे। तो ये जो इसे टाइम लगा हैंड ओवर करने में चार्ज को और फिर वापस से चार्ज लेने में, तो इस टाइम पीरियड को भी एज ज्वाइनिंग टाइम कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेकेंड ट्रांसफ़र वाइल इन ट्रांजिट। मान लो किसी एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स होते हैं फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, और उसे 10 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। स्टेशन ए से वो रिलीव हो गया है और स्टेशन बी की तरफ मूव करना शुरू करती है। रास्ते में उसे नए ऑर्डर्स मिलते हैं इस पॉइंट पे कि आपको स्टेशन बी को ज्वाइन नहीं करना बल्कि आपको स्टेशन सी को ज्वाइन करना है। और जब उसे नए ऑर्डर्स मिले उस टाइम तक वो अपने 6 डेज़ यूज़ कर चुका था, टोटल उसे मिले थे 10 डेज़ और उसने 6 डेज़ उस पॉइंट तक यूज़ कर लिए हैं, तो उसके पास कितने डेज बचे? 4 डेज़। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसे 4 डेज़ में स्टेशन सी को ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि जब उसे न्यू ऑर्डर्स मिले कि आपको स्टेशन सी पे जाना है, तो उस टाइम पर उसे न्यू ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और जो ये न्यू ज्वाइनिंग टाइम होगा वो डिपेंड करेगा इस पॉइंट से स्टेशन सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा नया ज्वाइनिंग टाइम, और उसके अकॉर्डिंग उसे नया ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा इस पॉइंट पर। यानी कि उसे टोटल ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा? जितना वो अवेल कर चुका है, 6 डेज़ वो अवेल कर चुका है, और उसके अलावा उसे अब नया ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, और वो ज्वाइनिंग टाइम डिपेंड करेगा उस पॉइंट से स्टेशन सी के डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांसफ़र एट ऑन रिक्वेस्ट। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अगर कोई एम्प्लॉई अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे करवाता है तो उस केस में कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता, बल्कि उस केस में एम्प्लॉई को लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जितने दिन उसे न्यू पोस्ट को ज्वाइन करने में लगेंगे उतने दिन की वो लीव ले सकता है। लेकिन जो डेट ऑफ़ रिलीव और डेट ऑफ़ ज्वाइनिंग के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, अगर उसमें कोई हॉलीडे पड़ती है तो उस हॉलीडे की उसे लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, उस हॉलीडे को वो एज अ हॉलीडे ही अवेल कर सकते हैं। और वो जो टाइम पीरियड है उस पीरियड की उसे पे भी दी जाएगी, और वो कौन देगा? वो वाला डिपार्टमेंट देगा जिसे वो ज्वाइन कर रहा है आफ्टर ट्रांसफ़र। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस पीरियड की पे कौन देगा? वो डिपार्टमेंट देगा जिसे वो ज्वाइन कर रहा है आफ्टर ट्रांसफ़र। तो आपको ये याद रखना है, जब ट्रांसफ़र एट ऑन रिक्वेस्ट होती है तो उस केस में कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता, एम्प्लॉई को लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई हॉलीडे बीच में आती है तो उस हॉलीडे को एज अ हॉलीडे ही अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।